तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसकी एक विंडो को हम खोल लेते हैं। ये है कूलर की विंडो, तो इसको हम लोग यहाँ से खोल लेते हैं। तो खोलना बहुत ही आसान है, बस आपको हल्का सा पेचकस इसमें लगाना है और ये ऑटोमेटिक खुल जाएगी। पर चेंज करने से पहले आपको मार्केट से एक कैपेसिटर खरीद के लेके आना है। सभी जो कूलर्स होते हैं उनमें 4 MFD का, यानी 4 MFD का कैपेसिटर लगाया जाता है। तो यहाँ पर आपको 4 MFD के कैपेसिटर की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा 4 MFD का कैपेसिटर है। तो ऐसा ही कैपेसिटर हम एक और लेकर आए हुए हैं पहले से ही खरीद के। ये देखिए दोस्तों, ये जो है ये भी 4 MFD का ही कैपेसिटर है। तो ये नया कैपेसिटर है और ये वाला पुराना है। तो इस पुराने को हमें निकालना है और इस नए को यहाँ पर लगा देना है। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों वायर्स हैं, यहाँ से आपको टेप खोलने हैं दोनों, और उसके बाद ये नया कैपेसिटर यहाँ पर लगाना है। इससे अच्छा है कि अगर हम इसकी दोनों वायर्स को यहाँ से कट कर दें और डायरेक्ट यहाँ से ही इसे लगा दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसकी टेपिंग को निकालेंगे तो और भी वायर्स जो हैं वो यहाँ पर निकल जाएंगे। तो एक काम करते हैं, इस कैपेसिटर की इस वायर को यहाँ से कट कर देते हैं थोड़ा सा, और यहाँ से कट कर देते हैं। अब ये जो है यहाँ पर दोनों वायर्स कैपेसिटर की आ चुकी हैं, तो इनको क्या करेंगे, यहाँ से PVC निकाल लेंगे, और PVC निकालने के बाद इसमें ही हम सारे कनेक्शन कर देंगे कैपेसिटर के। तो ये भी एक वायर निकाल ली है हमने, और ये दूसरी वायर की PVC भी हम निकाल लेते हैं। तो फिलहाल हमने दोनों वायर्स की PVC निकाल ली है। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो आपका कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के कनेक्शन इन्हीं दोनों वायर्स में कर देने हैं। और आपको ये नहीं देखना कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, आपका जहां मन हो वहां पर आप इनके कनेक्शन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहां पर कनेक्शन कर देने हैं। और ध्यान रखें दोस्तों, जब आप इसके कनेक्शन कर देंगे तो टेपिंग ज़रूर कर दें, टेप ज़रूर लगा। हमने इस नए कैपेसिटर को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। अब आपको सिंपली क्या करना है, जैसे ये कैपेसिटर पहले रखा हुआ था सेम वैसे ही हमें यहाँ पर इस तरीके से असेंबली को फिट कर देना है, और इस कैपेसिटर पर टेप लगा के इस कैपेसिटर को फिर से फिक्स कर देना है। और ध्यान रखें, अगर टेप ख़राब हो गया तो नया टेप लगा दें, जिससे कि कैपेसिटर बाद में गिरे ना। फिलहाल दोस्तों सारे कनेक्शन हो चुके हैं, अब मैं इसे चलाने जा रहा हूँ और चलाकर हवा को चेक कराता हूँ। तो हवा बहुत ही ज़्यादा शानदार आ रही है पहले की तुलना में। पहले तो बहुत ही हल्की स्पीड से चल रहा था ये कूलर।